नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, टुडे मॉर्निंग लेटेस्ट अपडेट के साथ और DLED सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के जो कल शाम को मैंने आपको न्यूज़ प्रोवाइड की तो उससे कुछ शेष बचा था, यानी पुनः प्रयास किया जा रहा है DLED सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के। पुनः प्रयास के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा विभिन्न जनप्रतिनिधियों के, माननीय मुख्यमंत्री को आदि को सौंप करके, इन प्रयासों के माध्यम से पुनः उन शासन प्रशासन को DLED थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। उसके संबंध में कहाँ कुछ क्या किस प्रयास किए गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और काफ़ी विद्यार्थियों की जो कुछ कमेंट्स थी कि सर किस सेमेस्टर की एग्जाम्स की तैयारी करें, DLED फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें या सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें, तो वह सभी विद्यार्थियों को भी इनमें कवर करेंगे कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसमें सारी चीज़ों को आपको अवगत करा दिया जाता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो हम उसको आगे कन्वर्ट करते हैं। थंबनेल पर देख भी पा रहे हैं कि RO ARO परीक्षा एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है, यानी परीक्षाओं का जो टालने का क्रम है वो सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। और उसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भिन्न परीक्षाओं को लेकर के विरोध में जो छात्र संघ का जो आंदोलन चल रहा था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फूका CM का पुतला, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिषद में फूका गया है, जिसमें पुलिस से भी इनकी झड़प पड़ हुई है और सात लोगों को नामजद किया हुआ है मित्रों। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं जो फर्स्ट न्यूज है आपकी कि RO और ARO परीक्षा एक सप्ताह के लिए टाल दी गई, यानी UPSC के द्वारा जो 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा थी अब वह 13 की जगह 20 सितंबर को होगी। वह प्री जो यानी कि प्रारंभिक परीक्षा थी। समीक्षा अधिकारी RO ARO सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2016 को प्रारंभिक परीक्षा एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है। परीक्षा अब 13 सितंबर के स्थान पर 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने COVID-19 के मद्देनजर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 3-3 परीक्षा केंद्रों के लिए ऑनलाइन विकल्प मांग रखे थे। RO ARO 2016 के लिए 385,191 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें से 41 अभ्यर्थियों ने COVID-19 के कारण परीक्षा से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया था, अभ्यर्थन वापस ले चुके हैं। तेजी से फैल रही कोरोना महामारी से सहमे इन अभ्यर्थियों ने तो पहले परीक्षा करने जाने की मांग की थी, लेकिन जब मांग नहीं पूरी हुई तो इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा से अपना नाम वापस ले लिया। आयोग ने इस आवेदन दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रदेश के 17 जनपदों में ये परीक्षा केंद्र बनाए जाने थे, ठीक है, और उनको अपने मनपसंद कॉलेज जो है सेंटर भी आवंटित किए गए थे। तो कोरोना महामारी के ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को 7 दिन और आगे डेट किसका दी गई, जिसमें मित्रों आप सभी लोग देख पा रहे हैं वहीं पर JEE और NEET कराने के विरोध में आई कई राज्य की पार्टियां। JEE और NEET की जो परीक्षा है वो अपनी नियत तिथि पर ही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो उसी स्थिति को देखते हुए कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब इसका काफ़ी ज़ोर ज़ोर से विरोध कर रही हैं। दिल्ली बंगाल समेत कई राज्यों ने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है, वहीं पर माननीय PM को भी चिट्ठी लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोग देख पा रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कि JEE और NEET निर्धारित समय पर ही कराने के विरोध में छात्रों के साथ अब कई राज्य और राजनीतिक दल भी उतर आए हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री माननीय सिसोदिया के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परीक्षाएं स्थगित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें छात्र हित को ध्यान में रखते हुए तय कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा आयोजित न कराने की अपील की गई है। NTA ने 1 से 6 सितंबर तक JEE व 13 सितंबर को NEET करवाने का ऐलान किया था। राजद और कांग्रेस भी परीक्षा टालने की मांग कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं प्रियंका वाड्रा जी, उनके द्वारा भी PM को पत्र लिखा जा चुका है। बनर्जी ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा और सितंबर में NEET व JEE परीक्षा कराने के आग्रह किया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने भी NTA के फिलहाल परीक्षाएं टालने की अपील की है। DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने भी छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को NEET और JEE परीक्षाओं को लेकर के यह पत्र भी लिखा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो काफ़ी पोस्टर से विरोध भी हो रहा है कि लखनऊ में NEET को टालने की मांग करते आम आदमी पार्टी के समर्थक। कई राजनीतिक दल और पार्टियां भी इसमें सम्मिलित हो चुकी हैं इस परीक्षाओं के विरोध में। वहीं DGP मुख्य सचिव से सहयोग की अपील की गई है। विरोध की परवाह न करते हुए NTA के सभी राज्यों के DGP और मुख्य सचिव ने परीक्षा आयोजित करवाने में सहयोग की अपील की है मित्रों। तो यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते देखते हुए इन परीक्षाओं को न कराने की मांग चल रही लगातार। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई दिनों से जो छात्र संघ है उनका जो परिसर है उस पर आंदोलन चल रहा था, वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परिसर में CM का पुतला फूंका गया है और 7 को नामजद किया गया है। कई मुद्दों पर
सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे, पुलिस से धक्का मुक्की हुई। तो कानून व्यवस्था के समेत अन्य कई मुद्दों का विरोध कर रहे समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान रोकने पर उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई। मामले के करनलगंज पुलिस में 7 नामजद व 15 से 20 अज्ञातों की रिपोर्ट की गई है। इसमें खिलाफ महामारी एक्ट के अन्य धाराओं समेत कार्य में बाधा डालने की धाराएं भी लगाई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ भवन पर सोमवार को दोपहर छात्र नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। सूचना पर पुलिस पहुंची तब वहां तक 25 से ज़्यादा छात्र नेता जमा हो चुके थे। पुलिस ने मुताबिक वहां जुटे छात्र नेताओं शासन विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी, साथ ही साथ में लिए हाथ में लिए सीएम के पुतले में भी आग लगा दी। यह देखते हुए मौजूद पुलिस कर्मियों ने पुतला छीनने की कोशिश की, जिस पर धक्का मुक्की हुई। कर्नलगंज इंस्पेक्टर अवन दीक्षित ने बताया कि विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी ने तहरीर देकर बताया कि प्रदर्शनकारियों ने जितेंद्र रन्ना यादव ये सभी मौजूद रहे और इनकी पुलिसकर्मियों के द्वारा इधर तो यहीं पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, वहीं पर सिविल एन्क्लेव में भी पुतला फूंका गया। नामजद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आदि हैं, तो यहां पर परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं और अपनी पंचसूत्रीय मांगों को लेकर के आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे छात्र सभा के कार्यकर्ताओं। पुलिस में हुई झड़प, यानी कि जो झड़प है उसको दर्शाया गया है, आप पोस्ट के माध्यम से यानी फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर आप स्थिति क्या होनी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में, वहीं पर 22 राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 23 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य मरीज, तो ये स्थिति बढ़ रही है। और इस स्थिति को देखते हुए आप सभी की परीक्षाएं कराने के संबंध में, वहीं पर जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि कोरोना महामारी में जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रही हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखो आप स्पष्ट तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि अहमदाबाद में सामाजिक दूरी बनाकर गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते छात्र, यानी गुजरात में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा हो रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई है। तो यहाँ पर स्थिति आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ब्रेंच पर यानी एक सीट पर सिर्फ एक ही विद्यार्थी उपस्थित है। तो इसी तरह आपकी जो भी आगामी परीक्षा आने वाली हैं सोशल डिस्टेंसिंग के सहित ग्लव्स और मास्क आदि के सहित आपकी परीक्षाएँ कंडक्ट कराई जाएंगी मित्रों। इसीलिए DLED सेमेस्टर एग्जाम की जो प्रबल संभावना बन रही है, जैसा कि क्लियर हो जाएगा 30 अगस्त को उस स्थिति से भी, तो आपकी जो संभावना है वो 99% आपकी जो है उसकी बन रही है, परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। PNP के अधिकारियों के यही विचार है पूरा सा जो अंदर से बात है, और 1% जो परीक्षा बन रही है वो प्रमोट को लेकर के है, बहुत ही कम चांसेज है कि प्रमोट किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा ही कंडक्ट कराई जानी है उनके द्वारा स्पष्ट करें। तो इस स्थिति यह बनेगी कि आपको एक ही ब्रेंच पर एक ही एक विद्यार्थी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप स्थिति समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरह आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है तो जो बैक विद्यार्थियों की संख्या है वह काफ़ी तेज़ी से विस्तार होगा, यानी वह बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप एक साथ अगर चेयर पर दो व्यक्ति बैठते हैं तो आप आपस में कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये हो जाएगी कि आपके पास काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगा जिससे आप बिल्कुल बातें भी नहीं कर पाएंगे। मास्क और ये ग्लव्स के माध्यम से आप काफ़ी सुन भी कम पाएंगे, और जो वहाँ पर निरीक्षक होगा वो आपको बातें भी नहीं करने देगा, और विद्यार्थियों में काफ़ी भय भी है कोरोना के कारण, इसलिए वो आपस में खुद वार्ता भी नहीं करने पाएंगे मित्रों। तो यहीं पर स्थिति आपकी परीक्षा की बन रही है, इसलिए विशेषकर सभी लोग ध्यान दें। वहीं पर जो शाम को न्यूज बची हुई थी DLED सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के, विभिन्न मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशिक्षु आदि सभी का प्रयास पुनः जारी है, उन्हें पुनः शासन प्रशासन PNP को जगाया जाए के ज्ञापन के माध्यम से। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आगरा में भी हेमलता दिवाकर को जी यह पत्र, यानी विद्यार्थियों के द्वारा जो अपनी स्थिति है DLED 18 बैच एवं 19 बैच को लेकर अपनी स्थिति को अवगत कराया गया है ज्ञापन के माध्यम से। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यह उनके द्वारा दिया हुआ पत्र है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आगरा से, जिसमें आप सभी लोग देख पा रहे हैं सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा भी गया है कि कृपया संलग्न पत्र को अवलोकन करने की कृपा करें कि गौरव चार मंडल महामंत्री आगरा DLED संयुक्त मोर्चा द्वारा DLED पूर्व प्रसिद्ध नाम जो BTC है तृतीय सेमेस्टर छात्रों के प्रोन्नत तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र कराए जाने के संबंध में की गई कि स्थिति इसमें स्पष्ट तरीके से वर्णित है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये कल ही शाम की देर शाम तक को दिया था और ये आप सभी लोग पा रहे थे। वहीं पर विकास कुमार मंडल अध्यक्ष के द्वारा यह स्थिति बताया कि उन्हें तुरंत संज्ञान में ले लिया जाए जो गया है, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री को लिखा हुआ पत्र और उनके द्वारा खुद जाकर के उनके आवास पर उनसे वार्ता पर आश्वासन भी दिया गया इनको। वहीं पर आज सचिव अंकित यहाँ नेतृत्व में आमरो कार्यकारिणी में भी उपस्थित रहे थे। वहीं पर डायट में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य आमरो सांसद आदि को भी तृतीय सेमेस्टर प्रमोद के संबंध में यह ज्ञापन भी दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सभी प्रशिक्षुओं का विभिन्न जिले से जनप्रतिनिधि मंडलों के जो भी हैं उनको विद्यार्थियों और
जो भी डीएलआर रिप्रेजेंट महोदय हैं प्रत्येक मंडल से, वो अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं और पुनः प्रयास किया जा रहा है क्या स्थिति से अवगत कराया जा सके हमें, क्योंकि हमारा सेमेस्टर काफ़ी लेट चल रहा है। अगर आगामी शिक्षक भर्ती आती है तो हमारी स्थिति क्या कुछ हो सकती है, उसके संबंध में आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जिला शिक्षण संस्थान आमरो से यह ज्ञापन दिया हुआ है मित्रों। तो ये कुछ थी आप सभी के लिए टुडे की मॉर्निंग की लेटेस्ट अपडेट मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो, पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।